नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव। आज से हम इस चैनल के माध्यम से नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, वह है वास्तु। इस श्रृंखला में हम वास्तु की उपयोगिता और हमारे जीवन से जुड़ाव के बारे में बताएंगे। प्राय यह देखा गया है कि हम घर मकान तो वास्तु सम्मत बना लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस आवास में सुख प्राप्त नहीं होता है। हमेशा दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं या उनके वास्तु सम्मत आवास में कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। उसकी वजह कुंडली में दोष भी हो सकता है और आवास बनाने के लिए त्रुटिपूर्ण भूमि का चुनाव भी हो सकता है। कुंडली दोष के लिए तो उपाय ज्योतिषी बता ही देते हैं, लेकिन मकान बनने के बाद भूमि का दोष लगभग यथावत रहता है, इसलिए भूमि का चुनाव वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर भूमि में दोष है तो वास्तु सम्मत घर भी आपको शांति से उस घर में नहीं रहने देगा। अगर भूमि दोष रहित है तो सामान्य वास्तु दोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारे मनीषियों ने भूमि चयन के बहुत से सिद्धांत बताए, हम उनमें से कुछ सिद्धांत वास्तु श्रृंखला में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे, जिससे भविष्य में ज्योतिष वास्तु संबंधित आकर्षक वीडियो के आने की आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो प्रारंभ करते हैं वास्तु यात्रा। पंडित जीवनाथ देवज्ञ कृत वास्तु रत्नावली के अनुसार भूमि चार प्रकार की होती है, गजप्रस्थ, कुर्मप्रस्थ, दैत्यप्रस्थ और नागप्रस्थ। गजप्रस्थ मतलब हाथी की पीठ जैसी, कुर्मप्रस्थ मतलब कछुए की पीठ जैसी, दैत्य तो नाम से ही है कि दैत्य की पीठ जैसी, और नाग मतलब सांप के पीठ जैसी। जानते हैं विस्तार से, गजप्रस्थ जानते हैं। दक्षिण पश्चिम चैव नैऋत्यो वायु कोण के एभि रुचा भवेत भूमि गजप्रस्था विधीयते। गजप्रस्थे भवे द्वास स लक्ष्मी धन पूरिता आयु वृद्धि करो नित्य जायते नात्र संशय। अर्थात वह भूमि जो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम कोण और वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट या पश्चिम उत्तर कोण में ऊंची उठी हुई हो वह गजप्रस्थ भूमि कहलाती है। यह भूमि जातक को धनवान बनाती है। जातक को धन संबंधी कई परेशानी नहीं होती, वह उसके परिवार को आरोग्यता व लंबी आयु देती है। भूमि चुनाव में गजप्रस्थ भूमि को सर्वोपरि रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गजप्रस्थ भूमि सदैव अच्छी होती है, लाभकारी होती है। अब जानते हैं कुर्मप्रस्थ भूमि। मध्य तुच्छम भवे धृत नीचम चेव चतुर्दिशम कुरुम पृष्ठा भवेद भूमि तत्र वासम शुभ प्रदह कुर्म पृष्ठे भवे द्वासो नित्योत्साह सुख प्रदह धन धान्यम भवे तस्य निश्चितम विपुलम सदा। अर्थात जो भूमि मध्य से ऊपर उठी हुई हो और चारों दिशाओं में नीची हो या ढलान वह भूमि कुर्म पृष्ठ भूमि होती है। यह भूमि जातक के लिए शुभ होती है। कुर्म पृष्ठ भूमि पर निवास करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है, हमेशा उसमें उत्साह बना रहता है, वह आत्मविश्वासी होता है। जैसे कछुए की पीठ मजबूत और सख्त होती है, उसी प्रकार कुर्म पृष्ठ भूमि पर रहने वाले जातक का आत्मविश्वास कोई भेद नहीं पाता है। व्यक्ति संतोषी होता है पर उसमें निरंतरता भी रहती है, मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। कुर्म पृष्ठ भूमि पर रहने वाले व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं रहती है, उसका परिवार हमेशा सुखी रहता है। इसका मतलब कुर्मप्रस्थ भूमि शुभ होती है। अब जानते हैं दैत्यप्रस्थ भूमि के बारे में। पूर्वाग्नि शंभु कोणेषु भूमौ यद्योन्नतिर् भवेत् पश्चिमे यदा नीचम दैत्यप्रस्था विधीयते दैत्यप्रस्थे भवे द्वासो लक्ष्मीर्नार्यति मन्दिरे धन पुत्र पशु नाम हानि रेव न संचय। अर्थात
पूर्व दिशा, ईशान, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व कोण, और आग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व कोण में भूमि ऊंची उठी हुई और पश्चिम में भूमि नीची हो, तब यह भूमि दैत्य पृष्ठभूमि कहलाती। दैत्य नाम के अनुसार यह भूमि वास करने लायक नहीं होती। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को धन की हानि, संतान हानि एवं पशु धन हानि हो सकती है। धन या तो चोरी हो जाएगा या सट्टा या शेयर मार्केट में डूब जाएगा। संतान की मृत्यु हो जाएगी या कहीं दूर चला जाएगा। पहले रोजगार के नाम पर खेती रहती थी। खेती के चक्कर में गाय बैल आदि पालने पड़ते थे, वही उनकी सवारी भी रहती थी, उनके ही द्वारा खेती भी होती थी, वही उनके पशुधन होते थे। मतलब आज के संदर्भ में दैत्य पृष्ठभूमि पर रहने वाले जातक को बिजनेस और वाहन की हानि उठानी पड़ सकती है। अब जानते हैं नाग पृष्ठभूमि के बारे में। पूर्व पश्चिम यो दीर्घो दक्षिणोत्तरे उच्चता नाग पृष्ठा विजानीयात कर्तुरचातन भवेत्। नाग पृष्ठे यदा वासु मृत्युरेव न संशय, पत्नी हानि पुत्र हानि शत्रु वृद्धि पदे पदे। अर्थात पूर्व और पश्चिम में अधिक लंबी भूमि नाग की तरह एवं दक्षिण और उत्तर की ओर ऊंची उठी हुई भूमि नाग पृष्ठभूमि कहलाती है। इस भूमि पर वास करने वाले जातक को संतान हानि, पत्नी हानि होने की आशंका रहती है, या संतान और पत्नी हमेशा बीमार रहेंगे और जातक का मन भी इस भूमि से उचट जाता है, उसका यहाँ मन नहीं लगता है। यह भूमि शत्रु की वृद्धि भी करती है। नाम की तरह यह भूमि कष्टकारक होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके ऑफिस कलीग, आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी आपके शत्रु हो जाएंगे, या तो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे या आपसे जलने लगेंगे और आपको नीचा दिखाने के निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उसी प्रयास के चक्कर यह भूमि आपको कोर्ट कचहरी तक की यात्रा भी करवा सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाग पृष्ठभूमि हानिकारक है, लाभकारक नहीं। वैसे तो नाग पृष्ठभूमि और दैत्य पृष्ठभूमि हमको खरीदनी ही नहीं चाहिए, पर अज्ञानतावश अगर आपने खरीद दी है और अब आपको इस पर निर्माण करना है तो उसके लिए भी वास्तु में उपाय है। और नाग पृष्ठभूमि और दैत्य पृष्ठभूमि को कुर्म पृष्ठभूमि और गज पृष्ठभूमि में बदल सकते हैं। गज और कुर्म जिसमें आपको बदलना, उस हिसाब से, उस अनुपात से आप अपनी अपनी नाग पृष्ठभूमि या देव पृष्ठभूमि में मिट्टी डलवा दीजिए। पूरे एक वर्ष के बाद, चारों ऋतुओं के बाद आप उस पे निर्माण कर सकते हैं। फल आपको गज पृष्ठ और कुर्म पृष्ठ का ही मिलेगा। अज्ञानतावश अगर आपने मकान का निर्माण कर लिया है और अब आपको जानना है कि आपका निर्माण किया हुआ मकान किस भूमि पर बना हुआ है, अपने मकान के ढलान को देखकर जान सकते हैं। अगर ढलान दक्षिण आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्वी कोना, नैऋत्य साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो आपका मकान, आपका निर्माणाधीन मकान अशुभ है, रहने योग्य नहीं है। किसी अच्छे से वास्तुशास्त्री को दिखाकर आप उसका तोड़ निकाल सकते हैं। हमसे परामर्श के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी स्क्रीन पे शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आगे आने वाले वास्तु विषय के वीडियो में हम भूमि चुनाव के बारे में ही जानेंगे। भूमि का चुनाव उसके स्वाद के द्वारा, उसके रंग के द्वारा कैसे होता है यह हम जानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अमुक शहर, अमुक ग्राम आपको सूट कर रहा है या नहीं, अमुक शहर, अमुक ग्राम आपको धन देगा या नहीं। ज्योतिष एवं वास्तु एक विराट विज्ञान है, हम इसे सीमित नहीं कर सकते। असंख्य वीडियो दे रहे वह भी इस विज्ञान को समझ पाने में कम ही रहे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। ज्योतिष जीवन वैभव के माध्यम से जो जानकारी आपको मिल रही है आपके दैनिक दिनचर्या में और आपके आने वाले भविष्य में बहुत काम आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा।
धन्यवाद।